हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। दोस्त मैं आज हूँ इधर आया था तो एक्चुअली वो नीट वाला एंट्रेंस चल रहा है तो मैं आया था नीट को। मेरी सिस्टर है उसका मतलब एंट्रेंस था तो देने के लिए था, जो कि 2 बजे था तो अभी एंट्री वेंट्री हो गई है, जो चल रहा है वो निकलेगी 5 बजे। तो मैं तो थोड़ा इधर चले ब्लॉगिंग शूट कर लेते। खैर हवा इतनी तेज़ चल रही है कुछ पता भी नहीं चल रहा है, आवाज़ पता नहीं जा रही कि नहीं जा रही है। इधर मैं अभी आया था, रेस्टोरेंट था वहाँ पर कुछ खाना होना था क्योंकि मैं दूर आया कि सुबह से निकला था तो भूख भी लगी हुई थी। मैं आया आज़मगढ़ से यहाँ गोरखपुर, गोरखपुर की जो दूरी है आज़मगढ़ और गोरखपुर की जो दूरी है वो तकरीबन 120 किलोमीटर पे। तो सुबह के निकले थे हम लोग 7-8 बजे के करीब कुछ, अभी बज रहे हैं 2-2:15 के करीब हो रहे हैं। 2 बजे की टाइमिंग थी एंट्रेंस की क्योंकि यहाँ पे सेंटर था। तो अभी हम लोग इधर हैं, ये देखिए पीछे का जो है, हाँ ये गाड़ी इधर आ रही है, ये चला जाएगा कुशीनगर और इधर आप चले जाएंगे सिटी में, गोरखपुर सिटी में। मैं तकरीबन गोरखपुर सिटी से 5-6 किलोमीटर दूर आया यहाँ पे। एक्चुअली उस साइड एक जंगल है तो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट मतलब घूमने की जगह बहुत अच्छी है, तो हम सोचे चलो थोड़ा घूम ही लेते हैं वहाँ पे। तो अभी गए नहीं, अभी हम जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो ये इधर गोरखपुर जा सकते हैं और इधर आप कुशीनगर जा सकते हैं। इधर मैं अभी खड़ा हुआ था टायर लादा खड़े होने के बाद। कुछ देखो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड में, ये देख लो ये कितना बताएं मतलब निकलने लायक है नहीं एकदम। गाड़ी से बाहर निकल जाओ ऐसा लग रहा है जल जाएंगे एकदम। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मतलब जो ये ज़मीन वमीन का जो काम चल रहा है बेचने लेन देन वाला, जो प्लाटिंग वाला रहता है, आप देख रहा हूँ लोग ऐसे ऐसे लगा लगा के। देखो वहाँ पे लोग जैसे बैठे हो, देख लो वहाँ पे ऐसे लोग मतलब पीछे पोर्शन में तंबू टाइप बना के यहाँ पे मतलब इसको ज़मीन वमीन लेनी है तो डायरेक्ट आके यहाँ पे बात करें, मतलब कोई एजेंट वजेंट के थ्रू नहीं, मतलब जैसे अपने इधर होता है कोई दलाल को पकड़ो उसके बाद ज़मीन वमीन का लेन देन करना पड़ता है, यहाँ पे उसका कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग देखिए, यहाँ पे भी लोग बना के रखे हुए हैं, देखो वहाँ पे लोग, यहाँ पीछे देखो जो मड़ी टाइप बना वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आओ बात करो, ज़मीन मतलब क्या रेट चल रहा है डायरेक्ट आके आप ले सकते हो। देखो अभी जो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, देखिए ये रेस्टोरेंट है, अब अभी मैंने खाना खाया और उधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है इधर पीछे, ये बोलेरो के पीछे उस साइड यही है, देख लो इधर गाड़ियाँ बहुत चल रही है। चला जाएगा जो पडरौना पड़ता है वहाँ पे गौतम बुद्ध के, इससे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है और यहाँ से नेपाल की जो दूरी है वो 100-120 के करीब है। यहाँ से आप पहुँच सकते हैं नेपाल, सीधे चले जाएंगे। इसके बाद आपको हाईवे मिल जाएगा, नेशनल हाईवे, वहाँ से आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा रोड है। इसके बाद शाम को 5 बजे के बाद इसमें एंट्री नहीं होती है। इधर पीछे का पूरा पोर्शन जो दिख रहा है इधर का, ये बहुत दूर, तो 5-6 बताते हैं 7 किलोमीटर, मतलब ऐसे अंदर चले जाओ तो पूरा ऐसे ही जैसे इधर मिलेगा और इधर भी आपको वही मिलेगा पूरा, तो चारों तरफ यही है। इधर देखते रहो यहाँ पे घूमने वाला बहुत लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, पूरा गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई इधर, ये देखो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई इधर, लोग रुके हुए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। ये गर्मी इतनी है पीना पड़ता है, चलो देखते हैं। ये देखो ये गन्ने वाला जूस पियेंगे, ये भैया पैसा दे दीजिए हम बैठ जाएं गड़िया में, दे दीजिए आराम से पैसा दे दीजिए हम बैठ जाएं। चलिए आइए, अभी हम लोग देखो जाएंगे इधर अंदर, ये अभी ड्राइविंग करनी है। चाचो नमक डालो बस, इधर देख चाचो डालो एक गिलास निकाल और पिए रख लो।
जंगल में देखो ये तो खास जंगल इतना मतलब ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना वो कंजस्टेड नहीं है ये देखो यहाँ पे मतलब कुछ पेड़ जो है बहुत दूर दूर पे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे बट बहुत लंबा बहुत अंदर जाना पड़ेगा अभी लेकिन यहाँ पे टाइमिंग हो चुकी है हम लोग की 5 बजने वाला है तो अभी निकलना पड़ेगा उधर तो देखते हैं जैसा कि देखो ये यहाँ पे अभी उधर आके कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पे जैसे गाड़ी देखी वहाँ पे पार्क कर दिए उसके बाद काम चल रहा है बट साइड से रोड है उधर आप जा सकते हो पीछे पीछे कुछ मतलब वो हिल स्टेशन है उधर वहाँ पे जो कि कुछ मंदिर वंदिर भी है लोग दर्शन वर्शन करने के लिए भी जाते हैं बट अभी बहुत अंदर है वो तकरीबन 4 किलोमीटर कुछ है वो तो इधर काम भी चल रहा है सोचो हम लोग चलो हम लोग का अभी तो कहाँ क्या है 5 तो बजने वाला है तो निकलते हैं दोस्त बट दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना दोस्त लेकिन सब्सक्राइब करें ज़रूर सब्सक्राइब करें यही है देख लो छोटा सा व्लॉग था मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में बाय 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 रोड का काम कुछ गाड़ी उधर से आ रही है उधर यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ये मतलब इस नदी के तट पर जो स्थित है ये नदी है वहाँ की देखिए बहुत अच्छा लोकेशन बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा है इधर यहाँ पे शाम की टाइम है और लाइट उठ जल रही वो सिटी है वहाँ की देखिए वो सिटी है ये सब यहाँ पे काफ़ी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे शाम की टाइम में लोग आते हैं घूमने के लिए अगर आप भी गोरखपुर से हैं तो आइए यहाँ पर शाम का लुत्फ़ उठाइए और आइसक्रीम का भी लुत्फ़ उठाइए थोड़ा बहुत उधर अभी मैं था उसके बाद मैं रिटर्न जा रहा था थोड़ा बहुत इधर वीडियो शूट कर लेते हैं ये सब है देख लो गाड़ी खड़ी हुई है उधर हमारे साथ जो लोग हैं फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहा है बहुत ही अच्छा मज़ा आ गई एकदम आज गर्मी थी लेकिन फिर भी मज़ा आई।